हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यू किलोमीटर से डे। आज मैं बहुत टाइम बाद एक वीडियो बना रहा हूँ और आज हम कुछ नया अनबॉक्स करने वाले हैं। कुछ नया आया है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि ये ही एक मेन चीज़ थी जो कि रह रही थी मेरी बाइक के अंदर। तो हम आज हमारी बाइक को और अपग्रेड करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं क्या मेरे पास आया है। काफ़ी भारी लग रहा है बट है बड़ी हल्की चीज़, तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं इसके अंदर क्या आया है नया माल। तो गाइस, गैस करना ये इसके अंदर क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि लंदन से क्या आया है, बिकॉज़ ये लंदन से आया है पार्सल इंडिया। तो मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा और मुझे टेंशन हो रही थी कि भाई कस्टम में अटक ना जाए, तो सब क्लियर होकर के आ चुका है लंदन से ट्रैवल करके मेरा बॉक्स। तो कमेंट करके ज़रूर बताना इसके अंदर क्या आई, और अपन अनबॉक्सिंग आई से इसको खोलने वाले हैं। तो चलिए खोल लेते हैं। सो गाइस, फाइनली अनबॉक्स हो चुका है, अब रैपर हटा देते हैं। पता तो चल ही गया होगा क्या है इसके अंदर, बड़ा ही रैप करके भेजा है ब्रो। An eternity later. कैमरामैन खुद शॉक में आ चुका है कि ये क्या मंगा लिया है। सो गाइस, दिस इज द थिंग जो कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था इसके लिए। ये है वो, ये फोर्क आ चुका है अपना, फॉक्स 34। राजस्थान में तो शायद ही किसी के पास होगा और इंडिया में भी बहुत कम लोगों के पास होगा। तो दिस इज़ द वन थिंग दैट आई वाज मिसिंग इन माय बाइक। तो ये फाइनली आ चुका है और क्या लग रहा है गाइस, ये अनबॉक्स कर लिया है हमने आज फॉक्स 34 स्टेप कास्ट, जो कि फॉक्स की तरफ से टॉप ऑफ द लाइन XC4 के XC प्लस ट्रेल। सो ये एक 120mm का शॉक है और इसके अंदर कशिमा कोटिंग देखने को मिलती है जिसके लिए फॉक्स फेमस है। ये सुनहरा जो इसका एक्सटेंशन दिख रहा है वो बड़ा ही प्यारा लगता है और ये मेरी बाइक से भी मैच करने वाला है। तो अब इसको आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं। अब इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये 34mm का एक्सटेंशन आता है इसके अंदर, 120mm का ट्रैवल मिलता है और 2-position लॉकआउट है इसके अंदर, तो फर्म और फुल्ली लॉक हो जाता है ये, जो कि एक्सी बाइक में एक्सी रेसेस में बहुत काम आता है। उसके बाद इसका जो वेट है वो है अराउंड 1400 ग्राम का इसका वेट है। खाली फोर्क का जो वेट है वो 1400 ग्राम का है अगर हम थ्रू एक्सल हटा देते हैं और स्टार नट हटा देते हैं, और अगर हम पूरा लॉकआउट और स्टार नट और थ्रू एक्सल इंस्टॉल करने के बाद इसका वेट करते हैं तो ये करीब करीब 1525 ग्राम के आसपास का बैठता है। अभी हम इसका वेट करके भी आपको दिखाएंगे कि ये कितने ग्राम का। अभी फॉक्स 34 120mm और इसका वेट है 1446 ग्राम्स ओनली विदाउट एनी थ्रू एक्सल और लॉकआउट। और हम इसको अब बस इंस्टॉल करने वाले हैं। अब मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि रेवा से सीधा फॉक्स 34 स्टेप कास्ट पे मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, तो ये एक टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है, तो मज़ा आने वाला है ट्रेल पर भी। अब शॉक बिल्कुल नहीं लगेंगे, बिल्कुल एकदम स्मूथ उड़ती हुई जाएगी बाइक अपनी। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक माथा फोड़ी होने वाली है इंस्टॉल करने में कि जो ये क्राउन रेस है वो रेबा का पहले निकालना पड़ेगा और इसमें लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने पास प्रॉपर टूल्स तो है नहीं, तो कुछ जुगाड़ करेंगे निकालने के लिए। प्रॉपर टूल्स तो बहुत महंगे आते हैं, 5-6 हज़ार रुपये का आता है वो खाली क्राउन रेस निकालने का। सोच सकते हो आप कितनी महंगी चीज़ आती है साइकिलिंग की। और महंगी से याद आया, इसकी प्राइस रिवील करनी है अभी। ये इंडिया में आपको पड़ेगा अराउंड 1.25 लाख के आसपास, बट अपने को कितने का मिला कुछ गैस करके बताना कि कितने का बना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना इसका स्टेप कास्ट का, तो उसमें मैं रिवील करूँगा, तो कमेंट करके बताना कि इसने का मेरे को इंडिया में पड़ा होगा ये। और लॉकआउट रिमोट लॉकआउट के साथ है, और रिमोट भी अपने पास डीटी स्विच का है, आर एरा गैरा रिमोट नहीं है, बिल्कुल एकदम डीटी स्विच का ओरिजिनल लॉकआउट है, मेटल का बहुत मजबूत है। और इसके अंदर बेरिंग्स आते हैं, जो नॉर्मल लॉकआउट आते हैं उसमें बेरिंग्स नहीं आते, ये बेरिंग वाला है। तो प्राइस बताइए कितने का बड़ा, बहुत सही डील मिली है मेरे को। तो अब इंस्टॉल कर लेते हैं। लग चुका है, इंस्टॉल कर दिया है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है।
और हमने इसका वेट कर लिया है, देखो ज़मीन पर अड़ नहीं रहा है, तो देखते हैं कितना है। 11 किलो 200 ग्राम वेट है इसका, 230 ग्राम, तो 11 किलो का वेट आ रहा है इसका अभी, 11200, और पहले था 11400 के आसपास था, तो 200 ग्राम के आसपास कम हो गया, 200 समथिंग, तो बढ़िया है, 200 ग्राम तो ऐसे कम हो गया। अभी दो चार अपग्रेड्स और बचे हैं, वो भी कर लेंगे, तो एकदम 10 kg के अंदर लाने की कोशिश। मेरी दोस्त की बाइक है, प्रशांत की, फुल कार्बन बाइक है ये, 9.6 है ट्रैक की, के सुपर प्रो कैलिबर 9.6, और इसका वेट करते हैं कितना आ रहा है। ये हार्ड टेल है और इसका वेट आ रहा 12 kg, नेट 12 kg, ना 1 ग्राम ऊपर ना 1 ग्राम ज़्यादा, तो देख लो आप, फुल सस्पेंशन वो भी 11 किलो की और ये 12 किलो की हार्ड टेल, तो काफ़ी डिफरेंस है। और इसमें और अभी थोड़ी चीज़ें अभी लगाएंगे, एक तो ड्रॉपर बहुत भारी है इसका, KS का है, नॉर्मल सा ड्रॉपर है, कुछ खास है नहीं उसमें, और कैसेट भी भारी है इसकी, तो दो तीन चीज़ें हैं जो कि हटा करके नहीं लगाएंगे, लाइट वेट तो 10 के अंदर आ जाएगा इसका वेट। सो गाइज, हमारा फोग हो चुका इंस्टॉल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें हम इसके बारे में और अच्छे से जानकारी देंगे, रिव्यू करेंगे पूरा कि क्या इसमें डिफरेंस है पुराने वाले फोग से। और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं चैनल पे तो।